नवघाटी टीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा परामय है पराज्ञान। जैसे कि मैंने ज्ञान का विभाजन किया था तब मैंने सभी विद्वानों का सभी ने अलग अलग इनका विभाजन किया था। तो जो हमारे दार्शनिक थे शंकराचार्य जी उन्होंने इसका जो विभाजन किया था उसका नाम दिया था परामय ए पराज्ञान। यानी कि हम देखें इसे दार्शनिक आधार पर कार्यों का विभाजन था उसमें परामय ए पराज्ञान। परामय ए पराज्ञान जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं, देवीय ज्ञान भी कह सकते हैं, उद्घाटित ज्ञान भी कह सकते हैं। उद्घाटित ज्ञान जो कि प्रकट होता है, अचानक प्रकट होता है, इसे हम लौकिक व अलौकिक ज्ञान भी कहते हैं। जैसे कि पराज्ञान होता है वो हमारा अलौकिक ज्ञान होता है, अलौकिक ज्ञान होता है, और पराज्ञान हमारा कौन सा होता है? भौतिक ज्ञान। पराज्ञान हमारा भौतिक ज्ञान, यानी कि अपराज्ञान हमारा भौतिक ज्ञान होता है। पराज्ञान को हम जो हमारे खुद से परे होता है, दूर होता है, इसे हम उद्घाटित ज्ञान भी कहते हैं। इसी में मैंने बताया था कि पराज्ञान यानी कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जिससे कि हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, यानी कि ये हमारे मन का ज्ञान होता है जिसे हम मन से सोचते हैं। हमने देखा है कि भौतिक ज्ञान जिसको कि हम हमारे आसपास के क्षेत्र में महसूस करते हैं या हमारे साथ घटित होने वाला, तो उस ज्ञान को हम बहुत जल्दी महसूस करते हैं या उस ज्ञान के आधार पर हम कार्य डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। लेकिन आप अगर जो हमारा पराज्ञान है अलौकिक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हमें बहुत ही ज्यादा सोचने समझने की जरूरत होती है। तो कहा जाए तो ये अलौकिक यानी कि इस लोक का ना होकर दूसरे लोक का ये ज्ञान होता है। ये होता है हमारा कौन सा ज्ञान होता है? पराज्ञान। इसे ही हम अलौकिक जो कि हमारी देवीय शक्ति कहते हैं, इसे हम कहें पराज्ञान को तो हम इसे देवीय शक्ति भी कहते हैं, दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, इसे हम दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। तो ये है हमारा जो हमारा लौकिक अलौकिक ज्ञान है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं सबसे पहले हम देखें तो ये ज्ञान कैसा ज्ञान हो गया, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो बड़ा ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान से संबंधित है अपरा, और जो हमारा बड़ा ज्ञान है वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि मन का ज्ञान है। अगर मन का ये ज्ञान है तो ये ज्ञान जो है हमारा किससे संबंधित होगा? हमारे विश्वास से, हमारी आत्मा से। तो ये ज्ञान सबसे पहले ये ज्ञान होगा कि जो हमारा बड़ा ज्ञान है वो एक विश्वास की प्रक्रिया है, विश्वास की प्रक्रिया है। यानी कि इस पर हमें क्या होता है? मैंने दो चीज बताई, ज्ञान यानी कि एक तो है ज्ञान और एक है विश्वास। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर हमारा जो भौतिक ज्ञान है वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा ज्ञान है। अगर बड़ा ज्ञान को हम देखें तो ये हमारे विश्वास की प्रक्रिया है, अर्थात इस पर हम विश्वास करते हैं। ज्ञान जो सत्य होता है लेकिन सत्य के कुछ अंश होते हैं जिन पर कि हम विश्वास करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान का जो रूप होता है वो बड़ा होता है और विश्वास का छोटा। तो ये हमारी मन की आस्था होती है। बड़ा ज्ञान किसमें आता है? हमारे विश्वास की श्रेणी में, हमें जिस पर विश्वास होता है। हम कहते हैं कि आज के टाइम में जो हम भगवान की पूजा करते हैं, क्या हमने कभी भगवान को साक्षात देखा नहीं है, लेकिन हम क्यों करते हैं पूजा? क्योंकि हमें उस पर आस्था है, विश्वास है। तो कहते हैं कि जो ये अलौकिक उद्घाटित ज्ञान है ये हमारे विश्वास की प्रक्रिया है। सेकंड है हमारा कौन
बनाते हैं, तो ये कहते हैं कि ये हमारी एक परंपरा बन जाती है। ये अलौकिक ज्ञान जो है वो हमारी एक परंपरा की प्रक्रिया होती है, हम इसी परंपरा पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये हमारी एक परंपरा की प्रक्रिया होती है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी दार्शनिक प्रक्रिया। दार्शनिक प्रक्रिया, दार्शनिक प्रक्रिया, ये हमारा जो ज्ञान है वो दर्शन से संबंधित है। जब भी मैंने आपको शुरू में बताया कि जो दर्शन से संबंधित है, शंकराचार्य जी ने इन लोगों का भेद किया था परंपरा में, तो ये एक दार्शनिक विचारों की विचारधारा है, इसीलिए ये दर्शन के क्षेत्र में कहते हैं कि दर्शन जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें देता था ये एक दार्शनिक प्रक्रिया है। यानी कि जो अलौकिक ज्ञान है वो हमारी दार्शनिक प्रक्रिया की श्रेणी में आता है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है इसमें, ये है हमारे आदर्शों की प्रक्रिया। आदर्शों की प्रक्रिया, आदर्शों की प्रक्रिया, यानी कि हमने देखा है कि हमने देखा है अलौकिक ज्ञान विश्वास है, और आदर्श हम उन्हीं को ही बनाते हैं जिन पर कि हमें विश्वास होता है। तो कहते हैं कि हम एक आदर्श नायक हमारे जीवन में, कहते हैं हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए उच्च जीवन, कहते हैं उच्च जीवन हम आगे बढ़ाने के लिए हम कई बार जो हमारे कहते हैं कि जीवन में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं जीवन को उनका अनुभव, लेकिन ये उनके उच्च जीवन का अनुभव हम ग्रहण करते हैं, उनको हम एक आदर्श के रूप में हमारा आइडल बनाते हैं, और हम उन्हीं की प्रक्रिया पर, ये नहीं होता कि हमने ना देखा हो, चाहे हम उसको पढ़े हो, किसी किताब में पढ़े हैं या हम किसी कथाओं में पढ़ते हैं, किसी प्रवचन में सुनते हैं, तो उन्हें हम एक अंदर से हमारा आइडल बना लेते हैं और उन आदर्शों के इस पर हम चलते चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जो अलौकिक ज्ञान है हमारा परागण वो एक आदर्श की प्रक्रिया होती है, यानी कि वो एक आदर्श के रूप में कार्य करते हैं, या फिर दूसरों के आदर्शों को अपने उनके दूसरों के अनुभवों को वो ग्रहण करके और उसी के आधार पर वो कार्य करते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारी कि यह क्या कौन सी प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक प्रक्रिया, मैंने बताया था कि जो हमारा अलौकिक ज्ञान है वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। तो ये जो ज्ञान है हमारा देवी ज्ञान है, ये ज्ञान हमारा एक आध्यात्मिक ज्ञान है, और हम इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया पे चलते हैं। हम विभिन्न देवी देवताओं को आत्मा से मानते हैं, उस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो कहा जाता है कि ये ज्ञान जो होता है एक अलौकिक ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोपनीय ज्ञान की प्रक्रिया। इसकी विशेषता है गोपनीय, गोपनीय ज्ञान की, गोपनीय ज्ञान की प्रक्रिया। गोपनीय यानी छुपा हुआ, जो ज्ञान हमारे मन में छुपा हुआ होता है, जो विचार हमारे मन में छुपे हुए होते हैं। हमने देखा है कई बार कि हम अपने जो हमारा ज्ञान होता है हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। एक सिंपल हम एक चीज देखें कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति है वो बोल नहीं सकता है, और हम उससे ये पूछने बैठे कि भाई इसका स्वाद कैसा है, क्या वो बच्चा जो है वो व्यक्ति हमें बोलकर उसको बता सकता है? नहीं, क्योंकि उसके मन में उसका स्वाद छुपा हुआ है, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये हमारा एक अलौकिक ज्ञान इसी प्रकार का होता है कि हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। कहा जाता है कि जिस तरह से गूंगे अपने स्वाद को बोल नहीं सकते, उसी तरीके से हम अपनी जो भक्ति से जो आनंद प्राप्त करते हैं हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। जो भक्ति से हम आनंद प्राप्त करते हैं वो आनंद की अनुभूति हम जो लेते हैं उस अनुभूति को हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो उस वक्त व्यक्ति उसी गूंगे व्यक्ति के अनुसार हो जाता है, जैसा कि जो बच्चे जो व्यक्ति अपने स्वाद को नहीं बता पा रहा, उसी तरह से यहाँ व्यक्ति अपने ज्ञान को नहीं बता सकता, या कहा जाए तो अपने अनुभव नहीं बता सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अलौकिक ज्ञान है वो एक गोपनीय ज्ञान की श्रेणी में आता है, अर्थात ये ज्ञान हम मन से आत्मा से महसूस करते हैं लेकिन हम इसे व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये हमारा एक गोपनीय ज्ञान है, यानी कि हमारा ज्ञान कैसे प्रक्रिया है,
ईश्वर से संबंधित ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान ईश्वर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारा ईश्वर से, परमात्मा से, हमारा परमात्मा का ज्ञान ही हमारा कौन सा ज्ञान है? अलौकिक ज्ञान है। यानी कि ये ज्ञान हमारा ईश्वर से संबंधित ज्ञान है, ये हमारा ईश्वर से संबंधित ज्ञान है जो ईश्वर से हमारी संबंध रखता है, सीधा आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। तो कहते हैं कि ये उसी से संबंधित हमारा ज्ञान है, ये हमारी विशेषताओं में है। नेक्स्ट इसकी अगर हम कहें कि ये तो कैसा ज्ञान है हमारा, कहते हैं चिंतन का। ये हमारा जो उद्घाटित ज्ञान है, ये हमारा तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया है। ये ज्ञान हमारा तर्क एवं चिंतन का ज्ञान है। यानी कि यहां हम क्या करते हैं, सोचते विचारते हैं, यहां पर हम अंतर आत्मा से हम यहां पर सोचते हैं। पराज्ञान जो भौतिक ज्ञान जो है हमारे सामने जो प्रकट हो रहा है उसे तो हम देखकर महसूस कर लेते हैं, उस पर हमें जो हमारा रिजल्ट होता है या हम सोचते हैं वो हम देखे हुए ज्ञान का करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो अलौकिक ज्ञान होता है, जो हम मन से सोचते हैं उसमें हमारे चिंतन ज्यादा होता है, यानी कि उसे हम मन की गहराई से हम उसके बारे में सोचते हैं और सोचने के बाद में हम उस पर तर्क करते हैं। तो कहा जाता है कि ये ज्ञान हमारा तर्क एवं चिंतन का ज्ञान होता है, जिस पर हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ये हमारे ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो ये था हमारा पराज्ञान व अपराज्ञान, जिसे हम लौकिक व अलौकिक ज्ञान भी कह सकते हैं, जिसे हम प्रकट व उद्घाटित ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा देव्य ज्ञान भी, जिसमें मैंने आपको इस ज्ञान की विशेषता बताई कि हमारा जो ज्ञान है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक आंतरिक ज्ञान है, यानी कि हमारे अंदर के मन का ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे विश्वास की प्रक्रिया है, जिस पर कि हम विश्वास करते हैं। तीसरा था कि ये ज्ञान हमारे सिद्धांतों पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि जो सिद्धांत हमारे बना दिए गए, जो नियम समाज ने हमारे लिए लागू कर दिए गए, तो हम उन नियमों पर, उन सिद्धांतों पर हम कार्य करते हैं। हमने देखा हर व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो समाज जो सिद्धांत बनाता है वो सिद्धांत हमारे लिए एक नियम हो जाते हैं और हम उन सिद्धांतों को मानने लगते हैं। ये सिद्धांत हम कब मानते हैं? जब हम अलौकिक, हम उस समाज से जुड़ते हैं, उस मन से जुड़ते हैं, अर्थात सिद्धांत और नियम हम अपने मन से निभाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये ज्ञान एक सिद्धांतों की प्रक्रिया भी है, सिद्धांतों की प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट मैंने इसमें बताया था कि ये परंपराओं की प्रक्रिया है, जिस परंपरा के द्वारा हम चलते हैं, हम परंपराएं जो हमारी रीति रिवाज, जो संस्कार हमें दिए जाते हैं, हम उस पर कार्य करते हैं। तो ये हमारे एक परंपरा का ज्ञान भी है। आगे मैंने इसमें बताया था कि ये एक दार्शनिक प्रक्रिया है, अर्थात ये ज्ञान दर्शन पर आधारित है। दर्शनों ने, जो दार्शनिक अनेक अनेक विचारधाराएं इस पर हमें दी गई, इसको अलौकिक ज्ञान को हमें समझाया गया। तो कहते हैं कि दार्शनिक, ये एक दार्शनिक ज्ञान है। 6 पॉइंट इसमें था हमारा कि ये ईश्वर से संबंधित ज्ञान है, यानी कि जो हमें ईश्वर में विश्वास रखते हैं हम, वो ज्ञान अलौकिक ज्ञान कहलाता है। ईश्वर से संबंधित ज्ञान अलौकिक ज्ञान कहलाता है। दूसरा था इसमें आदर्शों की प्रक्रिया, कि यानी कि जो हमारे जीवन में हम आदर्श बनाते हैं, मन से हम उन्हें आइडल मानते हैं, हम उनके जीवनों के, आदर्शों के अनुभवों को ग्रहण करके और हम उस पर कार्य करते हैं, यानी कि वो हमारे लिए आदर्श, प्रमुख, मुखिया जिसे हम कहते हैं, कि वो हमारे लिए प्रमुख व्यक्ति बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं और उन्हीं आदर्शों पर हम अपना कार्य करते हैं। फिर था इसमें कि जो परा ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, यानी कि पहले ही बताया था मैंने कि अलौकिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट की विशेषता थी कि गोप्य ज्ञान की प्रक्रिया, कि जो ये ज्ञान है वो हमारा कैसा ज्ञान है? गोपनीय, छुपा हुआ, जिसे हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे अंतर आत्मा में, हृदय में
में छुपा हुआ होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक गोपनीय है, छुपा हुआ ज्ञान है। तो ये हमारे थी परावय और पराज्ञान की विशेषताएं, ये थी हमारे परावय और पराज्ञान की विशेषताएं। आज तक मैंने जो आपको टॉपिक करवाए वो हमारे ज्ञान के बारे में थी। किसके बारे में थे? हमारे ज्ञान के बारे में। मैंने शुरू के वीडियो में आपको ज्ञान के अर्थ, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की प्रकृति और फिर मैंने आपको ज्ञान के प्रकारों की विशेषताओं का वर्णन किया। लेकिन अगर हम देखें तो ज्ञान जो हमारा होता है इसके साथ एक शब्द और होता है कि विश्वास। अगर हम देखें कि ज्ञान और विश्वास क्या ये हमारे एक ही शब्द है? ज्ञान और विश्वास क्या हमारा एक ही शब्द है? नहीं, ज्ञान और विश्वास में अंतर होता है कि ज्ञान क्या होता है, विश्वास क्या होता है। जैसे मैं आज तक आपको बताती आई हूं कि ज्ञान को अगर हम देखें तो ज्ञान हमारा सत्य है। ज्ञान क्या होता है? हमारा सत्य है, यानी कि जो हमने आंखों से देख लिया हमारे साथ घटित हो गया। अब वो ज्ञान हमारा कोई सा भी हो सकता है। कहते हैं कि ज्ञानों के बहुत प्रकार हो गए, चाहे हम उसे कहते हैं कि एक तरीके से देखें तो ये हमारी यथार्थ, यानी कि जो हम देखते हैं जो सत्य है, पूर्ण रूप से ज्ञान सत्य पर आधारित होता है, यही ज्ञान की विशेषता है। लेकिन हम देखें विश्वास हमारा सत्य पर आधारित नहीं होता, विश्वास सिर्फ उस पर होता है मन पर। कहते हैं कि जो हमारा सत्य होता है वो सच भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जिस पर हमने विश्वास किया वो सत्य ही निकले। इसलिए विश्वास कभी भी पूर्ण रूप से सही सत्य नहीं होता। तो दोनों में सबसे पहला हम कहें तो यही अंतर है कि ज्ञान तो सत्य होता है लेकिन विश्वास सत्य नहीं होता। विश्वास के लिए हम कहें तो विश्वास एक मन की स्थिति होती है। विश्वास की हम अर्थ देखें या परिभाषा देखें तो विश्वास मन की स्थिति विश्वास कहलाता है। यानी कि जो हमारे मन की स्थिति होती है वो हमारी क्या होती है? विश्वास, यानी कि जिसको मन मानता है। हम देखें सत्य हमारी, जिसे हमने पहले भी कहा था कि ज्ञान हमारा सत्य है, ज्ञान हमारी सूचना है, ज्ञान को हमने संज्ञानात्मक की स्थिति की बताई गई। तो ये सब है कहाँ? ये हमारे मानसिक यानी मस्तिष्क, यानी कि ज्ञान हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ज्ञान हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। लेकिन विश्वास कहाँ से जुड़ा हुआ है? हमारे विश्वास जो है वो हमारे हमेशा मन से ही जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास तो हमारे मन की स्थिति है और ज्ञान हमारे मस्तिष्क, जो हम सूचनाएं, यानी कि जो हमारे सामने सूचनाएं आ रही हैं उसे हम कहाँ तक सच मान सकते हैं। ये यहाँ पर दो अर्थ हो जाते हैं, एक तो हमारे सामने सत्य आ जाता है, एक हमारे पर मन आ जाता है। सत्य को हम मानते हैं मस्तिष्क से और जहाँ पर हमारा मन की बात आ जाती है वो हमारी विश्वास हो जाती है। तो यही कहते हैं कि ज्ञान और विश्वास में अंतर होता है कि जो हमारा ज्ञान है वो मस्तिष्क से सोचा हुआ एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन विश्वास है वो हमारी मन की स्थिति होती है, हमारे मन को मानने वाली होती है। ये है हमारा विश्वास। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि विश्वास जो होता है, विश्वास के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था कि विश्वास को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बिलीव इन एंड बिलीव दैट। उससे पहले मैं आपको विश्वास के बारे में बताऊंगी कि विश्वास को जो प्राचीन यूनानी चिंतक थे, जो दार्शनिक या चिंतक जो हुए, उन्होंने इसको दो भागों में, जिसने उनका नाम दिया डॉक्सा, यानी कि पहले इसको क्या कहते हैं? डॉक्सा और पिस्टिस। डॉक्सा और पिस्टिस। अब हम देखें कि जो
मन से सोचने वाला। और बिलीफ दैट यहां क्या होता है हमारा, बिलीफ दैट में हम दूर का तर्क के आधार पर सोचते हैं, तर्क के आधार पर सोचते हैं। बिलीफ इन एंड बिलीफ दैट, अगर हम विश्वास में वास्तविकता देखेंगे, विवेक हमारा तर्क है, तो हम क्या करेंगे, किस पर हम मन से सोचेंगे, तो वो हमारे समझ यानी आत्मा से, जिसे हम कहते हैं कि विश्वास दो तरीका से होता है। अगर हमने मन से सोचा तो हम उसको कहाँ अलौकिक आध्यात्मिक श्रेणी में ले जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें बिलीफ दैट दूर के बारे में सोचे, तो ये हमारे जो हम समाज परिवार कहते हैं कि हम एक तर्क के आधार पर सोचने लग जाते हैं, तो ये हमारे ज्ञान में और विश्वास में अंतर है कि ज्ञान और विश्वास कौन सा है। कि ज्ञान तो हमें दो भागों में बांट दिया गया, पहले भी यूनानी शब्द जो थी उनकी स्थिति कहते हैं कि विश्वास होता है हमारे मन की स्थिति, हमारा क्या कहलाता है, विश्वास कहलाता है। और विश्वास को एक प्राचीन दो भागों में बांटा, उसका नाम था कि पेस्टिस और डॉक्सा। तो पेस्टिस का अर्थ क्या हो गया, पेस्टिस होता है जिस पर हम विश्वास करते हैं, हम पेस्टिस है हमारा विश्वास व आत्मविश्वास, और डॉक्सा क्या हो गया हमारा, जो हम तर्क के आधार पर सोचते हैं। इसी तरह से हम देखें कि जो हमारा विश्वास है बिलीफ इन और बिलीफ दैट कहलाता है, वो कैसे, कि जो हम मन से सोच रहे हैं वो हमारे बिलीफ हैं। अगर हम जहां मन के साथ हम मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा बिलीफ दैट की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे ज्ञान और विश्वास में अंतर है कि ज्ञान हमारी सूचना है, ज्ञान हम मस्तिष्क से सोचते हैं, और विश्वास जो है, विश्वास हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारी आत्मा से सोचने विचारने वाला है, हम उसको आत्मा से यानी कि हमारे मन से सोचते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ज्ञान है हमारा, ज्ञान हमारा सत्य होता है, ज्ञान सत्य होता है, ज्ञान सत्य होता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान हमारा सत्य है, ज्ञान, लेकिन जो हमारा विश्वास है, विश्वास को हम कहते हैं कि विश्वास को हम पूर्ण सत्य नहीं कह सकते, ज्ञान हमारा सत्य है, यानी कि ये सत्यता पर आधारित है, आधारित होता है, लेकिन जो हमारा विश्वास है ये सत्य पर है, लेकिन ये हमारा पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होता, पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होता। ये है हमारा विश्वास, यानी कि विश्वास को हम अगर एक परिभाषा के तौर पर देखें तो कहते हैं कि विश्वास वास्तविकता के प्रति, जो हमारा वास्तविक यानी कि ज्ञान यानी कि सत्य के प्रति जो हमारी आज्ञाकारिता का भाव होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, विश्वास। यानी कि विश्वास क्या है हमारा, सत्य पर आधारित, यानी कि जो सत्य कह रहा है उस सत्य पर हमें विश्वास करना है, उस सत्य पर हमें विश्वास करना है। यही कहा जाता है कि जो विश्वास के लिए कहते हैं कि विश्वास, हम जो विश्वास होता है वो हमारा सत्य का प्रतीक है। विश्वास में वास्तविकता यानी कि जो वास्तविक होता है, जो वास्तविक होता है, वास्तविकता के प्रति जो आज्ञाकारिता के भाव होते हैं, वह विश्वास कहलाता है। यानी कि आपने सत्य तो बना दिया उस चीज को, लेकिन उस सत्य के प्रति आपके क्या भाव हैं, आपका क्या मन कहता है, आप जो उसका रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपके भाव हैं, वो आपके विश्वास की श्रेणी में आते हैं। तो आज के जो टॉपिक है, जो सबसे पहले मैंने आपको पराज्ञान की विशेषता बताई, नेक्स्ट जो था मैंने आपको
भाषा में आपको पहले लिखवा चुकी, लेकिन विश्वास की मैंने आज आपको बताया कि विश्वास का अर्थ क्या है, विश्वास की परिभाषा क्या है। कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा ज्ञान और विश्वास में अंतर। धन्यवाद।